अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल हसीब जाफर में खुश आमदीद। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ऐसे चैनल मौजूद हैं जिनके पास 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर होते हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते। या फिर हम थोड़ी सी छोटी मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास 5K सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यूज़ आपके पास 200 आते हैं या फिर 300 आते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपके व्यूज़ नहीं आते, आपके सब्सक्राइबर मौजूद हैं फिर भी व्यूज़ नहीं आते। हम आज आपके साथ एक छोटा सा मेथड शेयर करेंगे, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आपके उतने ही व्यूज आएंगे जितने आपके सब्सक्राइबर हैं। आप इस मेथड को जरूर आजमाइएगा, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसके लिए आपने कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करनी, आपने सिंपल अपनी यूट्यूब ऐप को ही इस्तेमाल करना है। ये फीचर आपके यूट्यूब ऐप के अंदर मौजूद है, अगर आप इस फीचर को यूज करोगे तो आपके उतने ही व्यूज आएंगे जितने आपके सब्सक्राइबर हैं और ये व्यूज आपके इंस्टेंट आएंगे। जैसे ही आप अपनी वीडियो अपलोड करोगे उसी वक्त उतने व्यूज आ जाएंगे। दोस्तों यही बड़ी वजह है कि आपकी वीडियो भी रैंक नहीं करती, क्योंकि आप लोग गलत टाइम के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हो। ऐसे टाइम में अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हो जब आपके सब्सक्राइबर एक्टिव ही नहीं होते, उस वक्त वो ऑनलाइन मौजूद ही नहीं होते। आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हो इसलिए वो वीडियो को देखते ही नहीं और यूट्यूब समझता है कि आपने एक वीडियो अपलोड कर दी, उसे 5 घंटे या 10 घंटे हो चुके हैं और आपको किसी भी बंदे ने देखा नहीं, तो समझ आता है कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है। तो इसी तरह वो आपकी वीडियो को डाउन कर देता है, बाद में किसी भी बंदे को सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप यही वीडियो राइट टाइम पर प्लेस करते, यानी कि राइट टाइम पर उसे अपलोड करते और उसी वक्त आपके सब्सक्राइबर उस वीडियो को देख लेते, तो इससे YouTube का एल्गोरिथम यही समझेगा कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है और लोग इसे उसी वक्त देख रहे हैं। इस तरह वो नेक्स्ट आगे से आगे बंदे को सजेस्ट करेगा, आगे से आगे वो ब्राउज फीचर में शो करेगा। दोस्तों जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर के पास जाता है, लेकिन आपने सही टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं की होती इसलिए वो आपके सब्सक्राइबर ऑन नहीं होते, उस वक्त ऑनलाइन नहीं होते और आपकी वीडियो को नहीं देखते। जिस वक्त वो ऑनलाइन होते हैं तब तक उनके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को सब्सक्राइब किया होता है और आपका नोटिफिकेशन नीचे जा चुका होता है या फिर वो उसे देखते ही नहीं, इसलिए आपके व्यूज फिर कम आते हैं और आपकी वीडियो रैंकिंग में नहीं जाती। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव यही दिखाऊंगा कि आपने वीडियो किस टाइम अपलोड करनी है, किस वक्त आपके सब्सक्राइबर एक्टिव होते हैं, यह आपने खुद चेक करना है। उसके बाद जिस टाइम वो ज्यादा एक्टिव होते हैं उस वक्त वीडियो को अपलोड करना है। तो दोस्तों हम चेक करते हैं अपने सब्सक्राइबर को वो किस वक्त ऑन होते हैं, किस वक्त एक्टिव होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो दोस्तों अपने सब्सक्राइबर को देखने के लिए कि वो किस वक्त एक्टिव होते हैं, आप अपने YT स्टूडियो को ओपन करें। जैसे आप YT स्टूडियो को ओपन करोगे इसके साथ आपके पास आ जाएगा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स को ओपन करो और आपके पास आ रहा है ऑडियंस। जैसे आप ऑडियंस को ओपन करोगे तो आपको नीचे ये मैट्रिक्स नजर आ रही है। इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ खाने बने हुए हैं, कुछ कतारें हैं, कुछ रोज हैं। तो दोस्तों इसमें आपको शो हो रहा है डे वाइज कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक साइड पर सारे डेज लिखे हैं और दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे से बॉक्स नजर आ रहे हैं। कुछ का कलर लाइट है और कुछ के अंदर ये डार्क हैं, कुछ के अंदर ये ज्यादा गहरे हैं। जो बॉक्स ज्यादा गहरे हैं वो आपको शो कर रहे हैं कि इस वक्त आपके सब्सक्राइबर ऑन होते हैं। यानी कि मेरे अगर देखो तो मेरे पास शो हो रहे हैं कि मेरे 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑन रहते हैं। आप खुद अपने चैनल का चेक करो कि किस वक्त आपके सब्सक्राइबर ऑन रहते हैं। आपके नाइट टाइम में अगर रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप रात के वक्त में वीडियो को अपलोड करो, लेकिन अगर आपके डे टाइम में होते हैं तो आप दिन के वक्त ही अपनी वीडियो को अपलोड करो। ऐसे टाइम में बिल्कुल भी वीडियो अपलोड ना करो जब आपके सब्सक्राइबर एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको इंस्टेंट व्यू चाहिए होते हैं जिससे आपकी वीडियो रैंकिंग में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसके अलावा आपकी वीडियोज पर इंस्टेंट व्यू आते हैं और आपके तमाम सब्सक्राइबर जिनके पास नोटिफिकेशन आपका जाएगा वो आपकी वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि जब वो ऑनलाइन होंगे तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वो जरूर उसे ओपन करेंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन है तो बाद में ओपन करें या ना करें बहुत ही 50-50 चांसेस रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने पहले चेक करना है कि आपने किस टाइम में वीडियो अपलोड करनी है और राइट टाइम पर राइट वीडियो अपलोड करनी है। आपने ये जरूर देखना कि इस वक्त कौन सी चीज ट्रेंडिंग में है, कौन सी चीज सर्च में जा रही है, उसी वीडियो को अपलोड करें। लेकिन उस टाइम में जब आपके सब्सक्राइबर ऑन हो उसी वक्त आप वीडियो अपलोड करोगे तो आप जरूर ग्रो कर जाओगे। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।